नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। पिछली क्लास में हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो दैट विल यूज्ड फॉर दी ट्रांसमिशन मीडियम, एज ए ट्रांसमिशन मीडियम। जब हमें ऑप्टिकल सिग्नल को या लाइट सिग्नल को जब हमें ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। जैसा कि आप नीचे पिक में देख रहे हैं, दीज आर दी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर से लाइट कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे कैरी करेगी सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर, सिग्नल कैसे ट्रेवल करेगा। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवल करती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे आधारित है। आगे हम स्लाइड्स में अध्ययन करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। लेट एनी सिग्नल ऑफ लाइट एंटर इन टू द क्लैडिंग फ्रॉम कोर, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि कोई सिग्नल जो कि सेंट्रल कोर में ट्रेवल कर रहा है वो कोर से क्लैडिंग में एंटर करता है, जिसमें क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने म्यू टू माना है और को सेंट्रल कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन है, जिनकी वैल्यू हम पहले देख चुके हैं, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू। तो म्यू वन की वैल्यू 1.5 थी और म्यू टू की वैल्यू 1.48 थी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब एक मीडियम से कोई भी सिग्नल दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, उसके अकॉर्डिंगली उसका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है। एट कोर क्लैडिंग बाउंड्री, तो जब कोई लाइट सिग्नल कोर से क्लैडिंग की बाउंड्री पर जाता है, क्लैड की बाउंड्री पर जाता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज थीटा। उस कंडीशन हम ये मान रहे हैं कि वो सिग्नल जब क्लैडिंग की बाउंड्री से पे इंसिडेंट होता है तो उसका इंसिडेंट जो एंगल है वो थीटा आई है। अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ, म्यू वन साइन थीटा आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा आर, यानी म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेंट्रल कोर एंड म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, थीटा इज इंसिडेंट एंगल है, थीटा आर रिफ्रैक्शन एंगल है। तो साइन थीटा आर की वैल्यू हमने कहा तो म्यू वन साइन थीटा आई और म्यू टू, ये हमने स्नेल लॉ से डिस्कस किया है। अब क्योंकि हम जानते हैं म्यू वन की वैल्यू म्यू टू ज़्यादा है, इसलिए थीटा आर थीटा आई से ज़्यादा होगा, जो रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले मीडियम म्यू वन की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा इज इंक्रीज्ड देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर विल ऑल्सो भी इंक्रीज। जैसा हम देख सकते हैं कि अगर हम थीटा इंसिडेंट एंगल को अगर हम इंक्रीज करें तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ जाता है। एट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा आई द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर विल बी 90 डिग्री। जैसे जैसे हम थीटा आई की वैल्यू को बढ़ाते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो एक एंगल ऐसा आता है जिस पर जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है। हैंस द रिफ्रैक्टेड रेज विल बी पैरेलल टू द कोर क्लैडिंग बाउंड्री। इसका मतलब ये है कि जब थीटा आई की वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू पर थीटा आर 90 डिग्री हो जाएगा, उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो क्लैडिंग में एंटर करने के बजाय वो कोर क्लैडिंग की बाउंड्री के पैरेलल में ट्रेवल करती है। द एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो वह एंगल जिस पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होता है वो एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। दैट मीन्स व्हेन थीटा आई इज इक्वल टू थीटा सी, इन दैट केस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में म्यू वन साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू साइन 90। अब हमने थीटा आई और थीटा आर की वैल्यू पुट कर दिया, थीटा आई हमारे पास था थीटा सी और थीटा आर था 90 डिग्री। तो हम देखें तो हमारे पास थीटा सी जो आता है साइन इनवर्स म्यू टू ओवर म्यू वन, तो कॉस थीटा सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, तो दैट विल इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर ओवर म्यू वन इफ थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा सी। अब ये तो कंडीशन जब थी थीटा आई जब थीटा सी के बराबर है। अगर हम फिगर 6.6 के ए पॉइंट में देखें, जिसमें हमने एक इंसिडेंट रे
जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्सिस है उससे नीचे की मीडियम को हम मान रहे हैं कि दिस इज सेंट्रल कोर और उसके ऊपर के मीडियम को हम क्लैडिंग मान रहे हैं। तो जो इंसिडेंट रे है वो थीटा आई एंगल से एंगल बनाती है कोर क्लैडिंग की बाउंड्री पर। जब ये रेज दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है तो वो रेंग नॉर्मल के साथ थीटा आर एंगल बनाती है जिसे हम रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। दूसरे केस में हमने कहा था कि जब हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं और एक ऐसी वैल्यू आती है जिस पर रिफ्रैक्टेड रेज कोर क्लाउडिंग की बाउंड्री के पैरेलल जाती है, दैट मीन्स थीटा आर विल बी 90। उस कंडीशन में जो थीटा ये वो थीटा सी हो जाएगा, 6.6 का बी फिगर अगर आप देखें तो। अब थर्ड कंडीशन हम मान रहे हैं कि इफ थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, अगर थीटा आई की वैल्यू थीटा सी से ज़्यादा हो जाती है यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाती है, देर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज बट इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड एज सोन इन फिगर 6.6C। अगर 6.6C का देखें, जब हमने थीटा इंसिडेंट एंगल को थीटा सी से अधिक माना है उस कंडीशन में कोई भी क्लैडिंग के मीडियम के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है, जो वेव है वो टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाती है, तो दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। हैंस इन ऑप्टिकल फाइबर लाइट सिग्नल इज कंटिन्यूसली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कोर क्लैडिंग बाउंड्री। इस तो इसका मतलब ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर सेंट्रल कोर होती है उससे जो भी लाइट ट्रेवल करती है उसका इंसिडेंट एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, इसलिए वो रेज क्लैडिंग में एंटर करने के बजाय क्लैडिंग की बाउंड कोर क्लैडिंग की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और वापस सेंट्रल कोर में आ जाती है। इस तरह से ये कंटिन्यूसली उसी में कोर के अंदर ट्रेवल करती रहती है। सो इट इज़ बाउंस इन कोर एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए ये सिग्नल का कोई लॉस नहीं होता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ये सेंट्रल कोर के अंदर ट्रेवल करता है। तो ये जो फिगर सी है, व्हेन थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जो भी वेव इंसिडेंट हो रही है वो टोटली रिफ्लेक्टेड हो रही है, देर इज नो पार्ट ऑफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड इन टू द क्लैडिंग मीडियम टोटली रिफ्लेक्टेड। सो दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सम फैक्ट्स अबाउट प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। जब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोई भी सिग्नल फ्लो करता है तो उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, अगर हम उनको स्टडी करें। व्हेन इलेक्ट्रिक सिग्नल इज अप्लाइड एट ट्रांसमिशन लाइन देन लाइन करंट स्टार्ट टू फ्लो। जब कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन के अंदर फ्लो होता है तो उसमें एक लाइन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। वी कैन इवेल्युएट द प्रोपेगेट एनर्जी फ्रॉम सिग्नल वोल्टेज एंड लाइन करंट, देन हम उसमें से जो भी सिग्नल लाइन करंट फ्लो हो रही है प्रोपेगेट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्नल वोल्टेज एंड लाइन करंट। दोनों की हेल्प से प्रोपेगेट एनर्जी, कितनी एनर्जी उस लाइन के अंदर प्रोपेगेट कर रही है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाई सिग्नल वोल्टेज वाइल द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन लाइन कंडक्टर बाई लाइन करंट। जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है उसमें हमने देखा कि एक लाइन वोल्टेज होता है और जब उसके अंदर कोई सिग्नल फ्लो होता है तो उसमें एक लाइन करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। तो इसमें जो सिग्नल वोल्टेज होता है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जो लाइन करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स मूव्स फ्रॉम जनरेटिंग एंड टू रिसीविंग एंड विद द सिग्नल प्रोपगेट इन द लाइन। जब सिग्नल लाइन के अंदर प्रोपगेट करता है तो ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ प्रोपगेट करते हैं यानी ट्रेवल करते हैं। हाफ सिग्नल एनर्जी इज कैरिड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल द अदर पार्ट ऑफ सिग्नल एनर्जी इज कैरिड बाई मैग्नेटिक फील्ड। इनका मतलब जो भी एनर्जी उस लाइन के अंदर प्रोपगेट हो रही है उसकी हाफ एनर्जी इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रोपगेट होती है और हाफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोपगेट होती है। दैट मीन्स दोनों का ही रोल है एनर्जी को प्रोपगेट करने में। डिस्ट्रीब्यूटेड और प्राइमरी कॉन्स्टेंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो प्राइमरी कॉन्स्टेंट जो होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्स्टेंट जिन्हें हम बोलते हैं उसमें R, L, C एंड G होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। दीज पैरामीटर या कॉन्स्टेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर लेंथ, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस या कंडक्टेंसेज लाइन में होते हैं वो पूरी ऑल ओवर द लेंथ अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ड्यू टू द यूनिफॉर्म शेप ऑफ लाइन कंडक्टर, क्योंकि लाइन का जो कंडक्टर है उसकी शेप यूनिफॉर्म होती है जिसकी वजह से इनके जो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कंडक्टेंसेज हैं पूरी ऑल ओवर द लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। टू लाइन कंडक्टर एंड द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द कंडक्टर वर्क एज अ कैपेसिटर।
दो लाइन कंडक्टर के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम होता है वो एक कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। दिस कैपेसिटर इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर दी लेंथ। ये कैपेसिटर भी ऑल ओवर दी लेंथ जितनी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और इस कैपेसिटिव को इफेक्ट को हम जनरली पैरेलल में कंसीडर करते हैं। तो आप देखें फिगर 6.7 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, जिसमें हमने ट्रांसमिशन लाइन के लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, जिसमें आर और एल हमने सीरीज में एक टी नेटवर्क है, ये टू पोर्ट टी नेटवर्क है, जिसमें आर और एल दो सीरीज नेटवर्क हैं, सीरीज पैरामीटर हैं, और पैरेलल में कैपेसिटेंस और कंडक्टेंसेस हैं। व्हेन आरएफ करंट फ्लोज इन कंडक्टर देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द एक्सिस। जब किसी कंडक्टर के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर करंट फ्लो होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है सराउंड द एक्सिस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर एक्सिस के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है विच अपोजेज द राइज और फॉल इन लाइन करंट। जो लाइन करंट की राइज और फॉल हैं उनको अपोज करता है। बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द लाइन करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो क्योंकि लाइन करंट से डिपेंड कर रहा है, लिंक है, हेंस इंडक्टर एल इज प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर, जिसकी वजह से हम लाइन में एक इंडक्टर एल प्रोड्यूस्ड कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दिस इंडक्टेंस इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये एल भी ऑल ओवर द अलॉन्ग द लेंथ पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब एट किसी लोकेशन पर आप एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको शेप मिलेगी। बिकॉज इट अपोजेज द लाइन करेंट सो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। क्योंकि ये जो एल है लाइन करेंट का अपोज करता है तो इसलिए ये सीरीज में कनेक्ट होता है। सम एनर्जी लीक्ड फ्रॉम द इंसुलेटिंग मीडियम बिकॉज इंसुलेशन मीडियम डज नॉट वर्क एज परफेक्ट डायलेक्ट्रिक। हमने कहा दो लाइन कंडक्टरों के बीच में जो डायलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो एक कैपेसिटर की तरह कार्य करता है, लेकिन इसके बीच में जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है वो एक परफेक्ट डायलेक्ट्रिक नहीं होता, इसलिए इसमें से कुछ लीकेज एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जिस लीकेज एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड संट कंडक्टेंस। तो जी को हमने जो पैरामीटर में लगाया है वो पैरेलल में लगाया है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कंडक्टेंस। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वन सेक्शन इज शोन इन फिगर। ऑलरेडी हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें आप देखें रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज में है और कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस पैरेलल में कट गया, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। हेंस ट्रांसमिशन लाइन हैज फोर प्राइमरी कांस्टेंट आर एल सी एंड जी। इसका मतलब जो भी हमने पैरामीटर एक कांस्टेंट किए हैं ये चारों पैरामीटर प्राइमरी कांस्टेंट कहलाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए। इनको हम कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर भी बोलते हैं क्योंकि ऑल ओवर दी लेंथ अलॉन्ग दी एंटायर ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। दीज आर रिप्रेजेंटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन। इनको जो यूनिट है जनरली आपने रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटी जो यूनिट है वो ओम्स हेनरी फेरड में हो ये पढ़ी है, लेकिन हम जब ट्रांसमिशन लाइन के लिए इन्हें स्टडी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर इसलिए ये पर यूनिट लेंथ में स्टडी करते हैं, ओम पर यूनिट लेंथ या हेनरी पर यूनिट लेंथ या आप कहेंगे फेरड पर यूनिट लेंथ या मेहो पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में लेंथ आप 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, जो भी आप यूनिट लेना चाहें। द प्राइमरी पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज फॉलोज। तो ये दीज आर दी प्राइमरी पैरामीटर आर एल सी एंड जी, जिसके हमने यूनिट्स होकर रखे हैं। यहाँ किलोमीटर में इसको लिया है तो ओम्स पर किलोमीटर, दिस इज दी यूनिट पर यूनिट लेंथ। द सीरीज इंपीडेंस ऑफ द लाइन इज जेड प्लस जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल, क्योंकि आर और एल दोनों सीरीज में है तो सीरीज इंपीडेंस हो जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल। और संट एडमिटेंस जो होगा वो बाईस गो जू जी प्लस जे ओमेगा सी होगा, क्योंकि संट में जो पैरेलल में है वो कंडक्टेंस और कैपेसिटेंसेस कनेक्ट हैं। जैसे हमने प्राइमरी पैरामीटर को पढ़ा उसी तरह से ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेकेंडरी पैरामीटर्स भी होते हैं। सेकेंडरी पैरामीटर्स में जनरली हम करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड ओ, प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट गामा, एटीन्यूएशन कॉन्स्टेंट अल्फा, फेज शिफ्ट कॉन्स्टेंट बीटा, इन सबको हम स्टडी करते हैं। द सेकेंडरी कॉन्स्टेंट ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंट टर्म्स ऑफ प्राइमरी कॉन्स्टेंट। अब हम इन सेकेंडरी कॉन्स्टेंट को प्राइमरी कॉन्स्टेंट के टर्म में इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, और जब हमारे पास प्राइमरी कॉन्स्टेंट अगर प्राइमरी पैरामीटर नोन है तो उसकी हेल्प से हम सेकेंडरी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।